भाभी भाई अरे भाभी मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ क्योंकि नक्श ने आज हमसे झूठ बोला तो इसलिए काफ़ी अपसेट था, उसे डांटा भी मैंने और अभी बस कमरे में बैठा हुआ था, पूरे दिन के बाद घर आया हूँ तो अक्षरा चाय देती हैं और बात करती हैं, कुछ कहती नहीं है, नक्श के बारे में मेंशन नहीं करती हैं तो काफ़ी एक लाइट मूड में ही हमने मतलब सीन किया और उसके बाद थोड़ा सा और लाइट हो गया लेकिन फिर बात वही जब मेंशन हुई तो अक्षरा को कहा कि मतलब मैं काफ़ी नाखुश हूँ कि इस तरह से अगर उसने हमसे झूठ बोला है तो कल को ऐसे ना हो कि ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फ़ैसला वो गलत ले ले। एंड दोनों बच्चे थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम हो रही है, सो ये सब चीज़ें चल रही हैं। क्या झूठ बोला? झूठ ये था कि उसने कहा, मैंने कहा था उसे कि हर कोर्स में अप्लाई कर दो और उसने एक ही कोर्स में अप्लाई किया, तो ये झूठ था। अभी तो यही है कि सेटलिंग डाउन हो रही है सब जगह, मेरे लिए ऑफिस में सेटलिंग डाउन हो रही है, यहाँ पे बच्चे सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, अक्षरा घर में सेटल होने की कोशिश कर रही हैं,
काफ़ी साल हो गए अभी गए हुए और वापस आके सबके लिए ये जोन अपना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे बाकियों को कितनी परेशानी हो रही है, करिश्मा नमन को थोड़ी परेशानी हो रही है, तो ये सारे मुद्दे आगे निकलेंगे। मेरे नमन के बीच में इतना कोई मेजर चीज़ अभी कुछ हुआ नहीं है, बट कहीं ना कहीं करिश्मा काफ़ी अफेक्टेड है, तो वो नमन को कहती हैं चीज़ें, और नमन के भी दिमाग में आने लगा है कि शायद उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, अब उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, हमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उनको ये बात थोड़ी सी खटकने लगी। अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे सर? फैंस को क्या कहेंगे, उन्हें जितना कहें कम है, इतने साल हो चुके हैं वो हमें देखते आ रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने प्यार आज तक दिया आगे भी देते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।